भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली ने बजाबते इसका ऐलान कर दिया है। पार्टी इसे लेकर तैयारी भी कर रही है 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर दावा ठोकने जा रही है पृथ्वी कुमार माली की पार्टी भारतीय जन परिवार पार्टी। जी हां, बीजेपी के सहयोगी दल बिहार में लगातार जमीन पर काम कर रही है और अब 3 लोकसभा सीट जिनमें बक्सर है, दरभंगा है और झंझारपुर है, जी हां, इन 3 सीटों पर दावा कर रही है भारतीय जन परिवार पार्टी कि वो चुनाव लड़ेगी। माली जाति के नेता हैं पृथ्वी कुमार माली। आपको बता दें कि बिहार में करीब 3% के आसपास जो आबादी है वो माली जाति की आबादी है और बहुत ही डिसिसिव वोटर वो माने जाते हैं। बक्सर लोकसभा की सिर्फ बात कीजिए तो वहां पर करीब करीब 50,000 के आसपास माली समाज के वोटर हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि उनके नेता पृथ्वी कुमार माली जो हैं वो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के बीते दिनों हुए उपचुनाव में खासकर अगर कुंडली को देखा जाए तो वहां पर खुद तत्कालीन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कहने पर पृथ्वी कुमार माली ने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग किया था और कुढ़नी विधानसभा में करीब करीब 12,000 के आसपास जो माली समाज के वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को अपना मत दिया था, वोट दिया था, जिसके चलते पृथ्वी कुमार माली के चलते ही बीजेपी जो है वो कुढ़नी उपचुनाव जीत पाई थी। और इसके बाद से लगातार जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जन परिवार पार्टी जो है वो बिहार में अपना पैर भी पसार रहा है, लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और बीते दिनों पटना में कई धरना प्रदर्शन भी किया गया जिसमें बेरोजगारी जो मौजूदा सरकार है बिहार की यानी महागठबंधन की सरकार, उनके द्वारा जो वादा किया गया है 10 लाख नौकरियों को लेकर, उसको लेकर भी भारतीय जन परिवार पार्टी जो है वो लगातार आंदोलन कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि 3 बिहार के लोकसभा सीटों पर, जी हाँ 3, बक्सर, दरभंगा और झंझारपुर, इन 3 सीटों पर भारतीय जन परिवार पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि वो चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी के साथ बिहार में फिलहाल बहुत अधिक सहयोगी दल नहीं है। बात करें चिराग पासवान की तो वो भी औपचारिक तरीके से फिलहाल एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में बेशर्त समर्थन कर रहे हैं पृथ्वी कुमार माली जो हैं वो बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं बिहार में 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो पूरे चरम पर है और इस बीच नई उभरती हुई पार्टी बीजेपीपी जो है वो भी अपनी कमर कस रही है।